दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ Redmi Note 13 Pro Plus के बारे में कि यह फ़ोन इंडिया में कब तक आएगा, इसका प्राइस क्या होगा, इसके स्पेक्स क्या होंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस बार इस फ़ोन को काफ़ी प्रीमियम बनाया गया है और इसमें आपको IP68 की रेटिंग भी मिलने वाली है, जिसे फ़ोन फुल्ली वाटरप्रूफ होगा। बैक में वीगन लेदर का यूज किया गया है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ज है। आपको डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं होगी। इसके डिस्प्ले में आपको 12 बिट के कलर सेचुरेशन को सपोर्ट करेगा, HDR10+ भी देखने को मिल जाएगा, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके पीक ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें आपको 18,000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो इसके रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 200MP का मेन कैमरा मिलने वाला है, बाकी 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2MP का मैक्रो कैमरा मिलने वाला है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसके फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा मिलने वाला है। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फ़ोन में आपको Dimensity 7200 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसका एंटीटू स्कोर 800,000+ देखने को मिल जाएगा और यह 4nm पर बेस्ट रहेगा, जो काफ़ी पावर एफिशिएंट रहेगा। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है और इसे चार्ज करने के लिए 120 वाट का चार्जर दिया जाएगा। 15 मिनट के अंदर यह आपकी बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। अदर स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, आयर ब्लास्टर मिलने वाला है। दोस्तों इसके बेस वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 12/256 वाला मिलने वाला है और इसकी प्राइस आपको इंडिया में 27-28 के तक देखने को मिल सकती है। अगर इस प्राइस पॉइंट पर हमें यह फ़ोन मिलता है तो इस प्राइस में भी यह अच्छा डील हो जाता है। इस फ़ोन के लॉन्चिंग की बात करें तो यह नवंबर तक इंडिया में लॉन्च हो सकती है। तो दोस्तों ये थी इस फ़ोन का डिटेल। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।